आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी में मोबाइल कैसे चार्ज किया जाता है, मोबाइल कितना वोल्ट पर चार्ज होता है और कितना वोल्ट पर उसे क्या होता है। आज हम लोग इस बात को जानेंगे बेहतरीन से कि मोबाइल, हम ये जानते हैं कि विद्युत मतलब बिजली होता है, विद्युत मतलब बिजली, मोबाइल विद्युत के ही हिसाब से चार्ज होता है, पर उसमें एसी और डीसी पर फर्क पड़ता है। जैसा मान लीजिए कि मोबाइल कैसे चार्ज होता है, तो मोबाइल चार्ज जब होता है तो मोबाइल में क्या होता है कि जब चार्जर को हम लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, चार्जर को, जब चार्जर को लगाते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड में चार्ज लगाने के बाद क्या होता है कि उसका जो प्लग होता है, प्लग लगने के बाद उसमें एक इन्वर्टर मशीन होता है, इन्वर्टर कंट्रोल प्रोसेस भी आप कैश कर सकते हैं। वो क्या करता है कि जिना ही हम होल्डर लगाते हैं, होल्डर जिना ही लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि विद्युत जो है से मतलब प्रवेश कर जाता है चार्जर में, और चार्जर में विद्युत प्रवेश करने के बाद वह चार्जर जो है से मतलब बिजली से 12 वोल्ट लेता है। कितना लेता है? 12 वोल्ट लेता है चार्जर, कितना लेता है? 12 वोल्ट। ये भी क्या चीज के रूप में? एसी के रूप में लेता है। किसमें लेता है? एसी के रूप में लेता है। 12 वोल्ट जो चार्जर मोबाइल लिया, माने चार्जर लिया, वो कितना लिया? एसी के रूप में 12 वोल्ट। अच्छा, 12 वोल्ट जब चार्जर मतलब क्या होता है कि लेने के बाद वो क्या करता है, जो मशीन लगाया तो मशीन में जो कंट्रोल प्रोसेसर जो होता है, यूनिट होता है, यूनिट वो क्या करता है, यूनिट कि चार्जर वाले यूनिट करता क्या है कि एसी जो हम ले रहा है चार्ज, वो एसी को तुरंत क्या करता है, इतना स्पीड काम करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी में। डीसी में जब कन्वर्ट करता है तो डीसी में कन्वर्ट करने के बाद मोबाइल को देता है 4.5 पॉइंट देता है, 4.5 वोल्ट देता है। कितना देता है? 4.5 वोल्ट पर मोबाइल को चार्ज किया जाता है, चाहे बड़ा मोबाइल हो या छोटा मोबाइल हो। यदि मान लीजिए कि 4.5 वोल्ट के बाद यदि ज्यादा पर आता है तो मोबाइल को सीधा क्या होगा कि वो जला देगा, मशीन को क्या होगा, फूंक देगा, वो चार्ज आसानी से नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए कि 12 वोल्ट एसी लेता है और उसे तुरंत माने अपघटन करके, कितना अपघटन करके एसी से डीसी में बदलने के बाद जो है उसे 4.5 वोल्ट पर जो है से मतलब मोबाइल चार्ज किया जाता है। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। यदि बात मान के चले कि यह समझ में आ जाए, यदि तो हमारी जो भी कुमार मास्टर मैन कोचिंग सेंटर से द्वारा, आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे की ओर बढ़ाते रहे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो।